हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो मोबाइल गेमर्स के लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मोबाइल गेमिंग की दुनिया में काफी कुछ हमको देखने को मिला है। स्टार्टिंग ऑफ वी विल बी हैविंग अ लुक एट द असैसिन्स क्रीड्स न्यूएस्ट मोबाइल गेम्स ट्रेलर। फॉलोइंग दैट अप, रेनबो सिक्स सीज का मोबाइल वर्जन आ रहा था, ये सबको पता था, लेकिन अब उसके बीटा की रिलीज डेट भी आ चुकी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर एक इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप हमको देखने को मिल रही है फॉर एन एआर टाइटल बिटवीन नियांटिक एंड मार्वल एंटरटेनमेंट। We'll talk about that, and in the end, we'll have a look at Tom Clancy's newest title, The Division Resurgence. So, without wasting any further time, this is Super Johnny, and you guys are watching Esports 360. What is up, ladies and gentlemen? एक बार फिर से स्वागत है Esports 360 के एक नए एपिसोड के अंदर। हाल ही में Ubisoft Forward 2022 के अंदर Assassin's Creed के काफी सारे टाइटल्स अनाउंस किए गए थे। अब उसी में से एक टाइटल था Assassin's Creed का मोबाइल टाइटल, और ये बात Ubisoft ने खुद ने कंफर्म करी है। कोड नेम्ड जेड, Assassin's Creed का ये मोबाइल टाइटल चाइना में सेट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 215 BCE। ये गेम एक मेनलाइन एंट्री होगी फॉर द फ्रेंचाइज, एंड प्लेयर्स कैन एक्सपेक्ट जेड टू नॉट बी अ फ्री टू प्ले टाइटल। Ubisoft ने रिलीज डेट मेंशन नहीं किया है फॉर द मोबाइल टाइटल, विच मीन्स दैट द वेट विल बी लॉन्ग। रेनबो सिक्स सीज का मोबाइल टाइटल का बीटा वर्जन मार्केट में आ चुका है, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब इस टाइटल की बात करें तो ये पीसी पे तो काफी ज्यादा पॉपुलर था, नाउ वी हैव टू सी कि मोबाइल पे इसका फ्यूचर कैसा होगा। सितंबर 12, 2022 से रेनबो सिक्स मोबाइल का बीटा वर्जन US, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, फिलीपींस, सिंगापुर एंड ऑफकोर्स इंडिया में एक्सेस किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स बस इनविटेशन पर ही बेटा वर्जन डाउनलोड कर पाएंगे। इस कॉम्पिटिटिव गेम का फाइनल वर्जन iOS एंड Android दोनों पर रिलीज होगा, लेकिन अभी के लिए बेटा टेस्ट सिर्फ Android डिवाइसेस पर अवेलेबल है। Marvel फैंस असेंबल। वेल, Niantic और Marvel Entertainment तो असेंबल हो चुके हैं, और ये दोनों कंपनीज मिलके एक नया मोबाइल AR टाइटल लेकर आ रही हैं। Pokemon Go के सक्सेस के बाद Niantic एक और पॉपुलर फ्रेंचाइज को AR स्पिन देने जा रही है। Marvel World of Heroes has officially been announced, and इस टाइटल का बेस्ट पार्ट ये है कि प्लेयर्स खुद के सुपर हीरोज क्रिएट कर सकते हैं विद अ यूनिक ओरिजिन स्टोरी। I can't tell you how excited I am to become a master of the mythic arts. ये AR टाइटल 2023 में रिलीज होगा, but players can pre-register now. और अब मोबाइल पर इतनी सारी नई गेम्स आ रही है, तो एक और गेम की बात करते हैं, क्योंकि टॉम क्लांसीज द डिविजन रिसर्जेंस भी मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए अनाउंस हो चुका है। एंड फाइनली इस गेम का बीटा टेस्ट कब आएगा ये तो हमें नहीं पता, बट लेट्स फॉर नाउ हैव अ लुक एट द ट्रेलर ऑफ दिस अमेजिंग गेम। आज के लिए बस इतना ही, बट मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा और भी एक्साइटिंग ईस्पोर्ट्स कंटेंट के साथ। एंड टू मेक श्योर आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू शो योर सपोर्ट एज वेल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।